जादू की। हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। अनधिकृत डंपिंग एड की बदबू से जनता परेशान। लाखांदूर नगर पंचायत के पदाधिकारियों की लापरवाही से अनधिकृत डंपिंग एड में डाले जा रहे कचरे की बदबू से जनता परेशान हो रही है। एक ओर देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर सजग है, वही दूसरी ओर उन्हीं के सहकारी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। लाखांदूर नगर पंचायत को 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन शहर के कचरे की व्यवस्था करने हेतु अधिकृत डंपिंग यार्ड तैयार नहीं किया गया। गीला और सूखा कचरा जमा करवा कर उस पर प्रक्रिया करना जरूरी है, लेकिन लाखांदूर नगर पंचायत इस पर अनदेखी कर रही है। लाखांदूर के पीपल गांव कोली जाने वाले सटे वन विभाग के जगह पर अतिक्रमण कर वहां कचरा डाला जाता है। अभी बारिश के दिनों में कचरा पूरी तरह गीला होने से बदबू फैली है। रास्ते से जाते हुए आम लोग इस बदबू के शिकार बनते जा रहे हैं। इस संदर्भ में नगर पंचायत के अध्यक्ष और सीईओ से पूछे तो उन्होंने जल्द ही नगर पंचायत की खुद की जगह डंपिंग एड के लिए मिलाने की बात कही। नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रहलाद देशमुख से बात की तो उन्होंने अपनी आइडियल स्वभाव का परिचय देते हुए पत्रकारों पर ही आरोप लगाया। आइए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। जब से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से देश के अंदर स्वच्छता अभियान जोर शोर पर चालू है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश देते हैं। और पूरे अभी फिलहाल माहौल ऐसा है कि नगर पंचायत से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसी तरह लाखांदूर में भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत की नगर पंचायत में सत्ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पूरा हड़ताल फांसा जा रहा है। लाखांदूर के अंदर नगर पंचायत की तरफ से किसी भी हालत में कोई व्यवस्था नगर पंचायत स्वच्छता के बारे में नहीं की जा रही है। जो गांव में घरों में से जो कचरा निकलता है, गीला कचरा और सूखा कचरा जो निकलता है, कचरे की उल्लीवाट लगाने के लिए उनके पास में कोई जगह उपलब्ध नहीं है। आप देख रहे हैं कि लाखांदूर पिपल का रास्ते पर जो ये लाखांदूर से करीबन 500 मीटर दूरी पर ये जो वन विभाग की ज़मीन है, उस वन विभाग के ज़मीन पर अतिक्रमण करके लाखांदूर का पूरा कचरा यहाँ पर डाला जाता है, खुलेआम कचरा डाला जाता है और यहाँ किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये आम रास्ता है, मेन मुख्य रास्ता है, मुर्गा औजनी जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर से हज़ारों लोग हर दिन जाते आते रहते, लेकिन अभी बारिश के दिनों के वजह से यहाँ पर पूरी गंदगी फैली हुई है, स्वच्छता का कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कचरा जो डाला जाता है, उस कचरे के ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है और किसी भी तरह से यहाँ व्यवस्था नहीं है। झिल्ली आप देख रहे हैं, कचरा पूरा हवा जैसे आती है उड़ते जाता रहता है और पूरी दुर्गंधी फैली हुई है। नागरिकों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका काफ़ी असर होते जा रहा है, क्योंकि गंदगी फैलती जा रही है, स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम होते जा रहा है और स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम होने से कई लोग बीमार होने की भी संभावना यहाँ पर व्यक्त की जाती है। हमने इसके बारे में लाखांदूर नगर पंचायत के सबसे पहले नगर पंचायत के उपाध्यक्ष को पूछने की कोशिश की तो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रहलाद देशमुख ने अपनी दादागिरी के परिचय देते हुए उन्होंने चाहे तो आप न्यूज़ डाल दो, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य करके अपने ही स्वच्छता अभियान के ऐसी तैसी करके रख दिए। हमने नगर पंचायत के नगराध्यक्ष सौभाग्यवती भारती ड्यूटे से बात करने से उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जीरोमा में हमने डंपिंग की व्यवस्था करने की कोशिश की है, सरकारी जगह हमने मंगी है। हमने लाखांदूर नगर पंचायत के नगर सीईओ से भी, सुधीर गवली से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी अभी आने वाले कुछ ही महीनों में डंपिंग की व्यवस्था की जाने की बात की। लेकिन बात यह है कि नगर पंचायत बने हुए 3 साल पूरे होते आ रहे, लेकिन 3 साल के अंदर अभी भी घन कचरा व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके ऊपर लाखों रुपया खर्चा होते जा रहा है। मैडम मुझे बताइए कि आपके लाखांदूर नगर पंचायत के माध्यम से जो स्वच्छ कचरे की मिलीवाट लगाने के लिए जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, ये नगर पंचायत के माध्यम से है? और दूसरा सवाल ये है कि जो अभी कचरा डाला जा रहा है वहाँ पर, उससे गंदगी बहुत फैली हुई है, कचरा अस्त व्यस्त है और लोगों को जाने आने वाले जो लोग हैं रास्ते से, उनको बड़ी परेशानी हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आता आमच्याकडे जागा अवेलेबलच नाही शासकीय, डंपिंग पॅनलची जागा आता निश्चित झाली आहे आमची,
अजून परमिशन मिळायची आहे, त्यामुळे आम्ही आता तिथली परमिशन घेतली वन विभागाची आणि तिथे टाकत आहोत. कचऱ्याचा आता कसा ते पॉलिथिन वगैरे काही जो कचरा आहे तो हवेने कुठे उडत असेल, आपण त्याला आता प्रक्रिया जाळण्याची करू शकत नाही ना. जाळायला गेलं तर ते प्रदूषण पुन्हा फैलेल इकडे तिकडे, त्याच्यामुळे आमची निश्चित जागा होईपर्यंत आम्ही तिथेच टाकत आहोत. ऊपर से अभी जैसे कि नियम है इसमें घन कचरा सामने कहीं जो वस्तु आए लिक्विड वगैरह टाकाई था तो तिथि तो नहीं छुड़कुन दो. लेकिन ये नगर पंचायत के माध्यम से जो गीला कचरा सूखा कचरा नहीं तो कसा डंपिंग पैनल चले शिव वर्गीकरण नहीं करता है और लास्ट का सर 3 साल होते आ रहे नगर पंचायत को तो अभी तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं. त्याच्यासाठी शेड करावा लागते, ते पूर्ण जागा म्हणजे ओल्याची वेगळी याची सुक्याची वेगळी असं त्याच्यात करून मग ते वर्गीकरण करावं लागेल. आपल्याकडे जागा नसल्यामुळे आपण आता तिकडे टाकत असल्यामुळे ओला सुका एकत्रच टाकत आहोत. अभी तो बारिश के दिनों में जो अभी परेशानी हो रही लोगों को, आम लोगों को, मतलब गंदगी बहुत हो रही है क्योंकि वहाँ से अभी हवा अगर इधर आती है तो अभी मैं खुद 2 घंटे से भी काम मतलब रुका हुआ था. तो खुल्या था आता तसा होणारच आहे. लेकिन उसके लिक्विड वगैरह टाको ना, आता काच वगैरह मोराची ते वगैरह औषध नेऊन टाकून देऊ. आता जरा थोड़ा आमच्या नाडीच्या कामामध्ये कब तक ही व्यवस्था हो जाएगी? 8-10 दिवस तक. सर नागाजोर लाखांदोर नगर पंचायत के माध्यम से जो कचरा डंपिंग का जो यार्ड बनाया हुआ है पर रस्ते पर है, बारिश के दिनों में उसके मतलब गंदगी बहुत फैल रही है. नगर पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? लाखांदूर नगर पंचायत के कुछ नागरिकों का यहाँ पे शिष्टमंडल आया था और लोक प्रतिनिधियों ने भी इसके बारे में सर्वसाधारण सभा में भी काफ़ी बार इस पर चर्चा हुई है और यहाँ पे हमें को बताने में आनंद होता है कि अभी ये चीज़ अभी इस पर काम कर रहे हैं. अभी जो शासकीय जागा इसमें लेने की जरूरत थी घन कचरे व्यवस्थापन के लिए, तो लाखांदूर नगर पंचायत का जिरोबा करके जो इलाका है तो उसके आगे झेडपी स्कूल है. झेडपी स्कूल के थोड़ा सा सामने जाने के बाद एक 349 सर्वे नंबर में 1.41 हेक्टर जगह है वहाँ पे अवेलेबल. तो उसमें के 1 हेक्टर जगह अभी हमको माननीय जिलाधिकारी महोदय के कोऑर्डिनेशन की वजह से अभी हमको मिल रही है. तो ये पिंपड़गांव रोड पे का जो आज घन कचरा व्यवस्थापन का जो हमारा यानी जो आज डाल रहे हैं हम, तो वो चंद दिनों में वो अभी बंद होने वाला है. अभी हमारा एक DPR भी अभी हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है और DPR में ये जो कचरा रोज के रोज जो निकलता है दैनंदिन कचरा जो आज लाखांदूर नगर पंचायत में कुल मिला के 2 या 2.5 टन के करीब निकल रहा है, तो उस पर प्रोसेसिंग होने वाला है. और जैसा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 और 2018 में लाखांदूर नगर पंचायत ने काम किया था, तो उस हिसाब से आने वाले वक्त पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शुरुआत होने वाला है. और अभी जो गांधी जयंती आने वाली है 2 अक्टूबर 2019 को, तो उसमें अपना पूरा महाराष्ट्र के सब नगर पालिका नगर पंचायत को ODF प्लस और 3-स्टार रेटिंग की कंपटीशन होने वाली है और लाखांदूर नगर पंचायत भी उसमें भाग लेने वाली है. तो उसके लिए भी अपने को वो प्रोसेसिंग करना जरूरत है. तो आज की तारीख में अभी हमारा वो शासकीय ज़मीन जो 349 गट नंबर का जो आपने बात हुई थी, तो उसका अभी हैंडिंग ओवर चालू है. उसका ज़मीन का मोजनी होने वाला है सबसे पहले, और उसके बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से वो जगह को ऑथराइजेशन मिलने वाला है और फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा. तो ये जो आज जो समस्या आपने जो बताई, तो उसके बारे में नगर पंचायत अच्छी तरह से काम कर रही है. लेकिन अभी जो बारिश के दिनों में जो अभी दुर्गंधी फैल रही है, तो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा परिणाम हो सकते हैं उसके नगर के ऊपर, उसके बारे में अभी फिलहाल क्या व्यवस्था हो सकती है? अभी आज की तारीख में तो अभी हमारे इधर एक सिटी कोऑर्डिनेटर करके भी एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है. सिटी कोऑर्डिनेटर करके एक जामबोध कर करके एक कर्मचारी ज्वाइन हुआ है और हमारे नगर पालिका स्टाफ भी इसके बारे में सजग है. अभी डोर टू डोर कलेक्शन जो अपन करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इसमें सेग्रीगेशन फ्रॉम सोर्स होना चाहिए, यानी जो सूखा कचरा ओला कचरा है वो जगह पे विलगीकरण होना चाहिए. तो मैं नागरिकों लाखांदूर के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कचरा रोज के रोज जो घंटा घड़ी आपके घर पे आती है तो उसको गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग देंगे, तो उसको नगर पालिका आगे चल के उसमें ओला कचरा से खत निर्मिति और सूखे कचरे से
फिर से उसमें से जो कुछ चीज़ें अपने को बेच के नगर पालिका का महसूल में भी उसमें उत्पन्न होगा, और जो ये घन कचरे की समस्या जो बारिश के दिनों में लोगों को सार्वजनिक आरोग्य को जो प्रश्न निर्माण होते हैं तो उसमें भी लोगों को मदद हो जाएगी। तो नागरिकों से फिर से एक बार आह्वान करना चाहता हूँ कि आप कृपया आपके घर का कचरा, ओला कचरा, सूखा कचरा अलग से दीजिए, हमको उस पर प्रक्रिया करने में थोड़ी आसानी होगी। थैंक यू। हाँ जी करून टाकाल मग तो कंप्लेंट कोणी त्यासाठी व्यवस्था करता येईल मग लोकांना त्रास वगैरे झाल्यास। नाही पण तक्रारीशिवाय दखल घेतली जात नाही का? लाखांदूर पासून पिंपळगाव जात रस्त्याने जात असताना एवढी दुर्गंधी पसरली आहे आणि सगळ्या जिल्ह्या वगैरे सगळ्या पसरून झाल्या, याची जोपर्यंत तुमच्याकडे लिखित तक्रार होणार ना तोपर्यंत तुम्ही त्याची काळजी घेणार नाही असं म्हणत आहे का? हे तर सोयीस्तिक उत्तर वाटत नाही। कोणता उत्तर कसा पाहिजे उत्तर? अजून कोणता उत्तर कसा पाहिजे? पंचायतचे उपाध्यक्ष आणि अशा पद्धतीने उत्तर देणं हे दिशाभूल करणे झालं लोकांची। कोणाची दिशाभूल करणे झालं? तुमची का? पत्रकारांची? नाही पत्रकारांची सोळा पत्रकार म्हणून विचारलं तुम्हाला मी। तुम्ही निशांत लांजेवर बोलून राहिले ना? हो मग निशांत लांजेवर बोलते म्हणून काय म्हणजे घ्यायचं नाही का? कोण म्हणते नाही घ्यायचे तुमच्याकडे? कोण म्हणते नाही घ्यायचे तुमच्याकडे? म्हणता की तक्रार आल्याशिवाय काय होणार नाही म्हणून। नाही नाही म्हणजे कोणाला अडचण आहे तुमच्यावर काय काय तक्रार वगैरे आली आहे का? आली ना म्हणूनच तर। हा देऊन टाका न्यूज मग। न्यूज देऊन टाका म्हणतो। हो ना न्यूज टाकायला म्हणून तुमची मुलाखत घ्यायची होती। देऊन टाका ना। हो ना म्हणून तुमचा मुलाखत घ्यायची होती म्हणलं तर म्हणून तुम्ही पाहिजे। म्हणजे कशाला म्हणजे कशाला मुलाखत? अध्यक्षाची घ्या ना आणि जो अध्यक्षाची घ्या आणि जो आरोग्य स्वच्छता जो सभापती आहे त्यांची घ्या। कोण आरोग्य सभापती? या चौकशी करा येऊन पाहा ना कोण आहे तर। असं बोलता उपाध्यक्ष साहेब तुम्ही येऊन पा? हा असंच बोलतो ना मी। हा असंच बोलतो ना मी। दादागिरीवर उत्तर झाले नाही? दादागिरी तुम्ही केल्या ना। मी कसं तुम्हाला प्रश्न विचारला? मी कसं दादागिरी? मला माहित आहे तुमची तुमची हिस्ट्रीची माहिती आहे म्हणून पुन्हा लाखांदूरची। तुमची हिस्ट्रीची माहिती आहे लाखांदूरची? माझी हिस्ट्री कशी माहित आहे? हा माहित आहे। माझ्या हिस्ट्री सोबत आणि स्वच्छते सोबत काय संबंध आला म्हटलं? नाही ना स्वच्छतेचा काय संबंध आला? माझी हिस्ट्री बद्दल म्हणजे काय मला समजलं नाही तुम्हाला काय म्हणायचं? मला माहित आहे ना सगळं। हो तर काय नेमकं माहिती आहे माझ्याबद्दल? मला बहुत काही माहित आहे। अरे हा तुम्ही वैयक्तिक टीका करून राहिलेत? वैयक्तिक टीका करण्याचा काय? नाही मी तुम्हाला प्रश्न, तुम्ही नगर पंचायतचे उपाध्यक्ष म्हणजे पदाधिकारी आहात, तुम्ही मला माझ्याबद्दल बोलणार, तुमच्याबद्दल माहिती आहे बघा तर बरोबर आहे ना। अरे माझ्याबद्दल काय? मी काय चोऱ्या केल्या? तुम्हाला पैसे मागितले? नगर पंचायतला पैसे मागितले? काय दबाव टाकला? तुम्हाला पैसे मागितले? मला तुम्ही पैसे दिले आतापर्यंत? हो दिले पण आता काही प्रूफ नाही ना। नाही दिले कोणाला दिले सांगा ना। तुम्हाला काय नगर पंचायतला पैसे मागितले? प्रूफ नाही। तुम्ही बोलून राहिले? अरे आम्ही तुम्हाला प्रेमानं विचारून राहिलो, तुम्ही माझ्या वैयक्तिक तिकट करून राहिले, तुमच्याबद्दल माहिती आहे। नगर पंचायत तक्रार द्या ना मग करा जो काय करायचं। ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। आता मी आपल्या पद्धतीने करतो। न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।